लो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में विद्युत धारा वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, विद्युत धारा। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स उसको हम करने वाले। तो चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा, इसमें क्या एग्जांपल है, क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम यहां पे चेक करेंगे। ओके, करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। ओके, एग्जांपल 1 आपसे कहा गया एग्जांपल नंबर 1 में कि किसी सतह से प्रवाहित आवेश Q का मान Q इज इक्वल टू 4T³ + 5T + 6 है। ये आवेश का मान दिया, टी पर डिपेंड करता है, टी पर निर्भर करता है। तो पूछ रहा है आपसे कि समय टी बराबर 1 सेकंड पर, 1 सेकंड पर तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगर किसी सतह से प्रवाहित आवेश टी पर निर्भर करता है तो प्रवाहित धारा का मान निकालना तात्क्षणिक है ना। तो तात्क्षणिक धारा कैसे निकालते हैं, आई इंस्टेंट इज इक्वल टू dQ/dt। ओके, तो यहां पर आप देखिए dy/dt, Q का मान 4T³ + 5T + 6 इसका अवकलन कर रहे हैं। तो आई तात्क्षणिक, हिंदी में लिखे तो तात्क्षणिक और इंग्लिश में लिखे तो इंस्टेंट, इंस्टेंट कह सकते हैं, इज इक्वल टू 4 × घात इसकी 3 का गुणा और घात में से 1 कम करके लिखेंगे, प्लस 5 × 1 घात क्या बने, तो t^(1 − 1) प्लस 0। तो आंसर आया 12t² + 5, यहां पर t^0 1। तो ये आंसर आया। आपसे पूछा t = 1 सेकंड पर, तो ये तात्क्षणिक धारा थी, जितने समय पर कहेगा वही मान आप निकाल देंगे। तो आप देंगे t = 1 सेकंड, तो t^(1 सेकंड लगाओ, तो आई तात्क्षणिक क्या आएगा, 12 1² + 5, तो 12 + 5 दैट इज 17 एम्पियर। ओके, ये हो गया आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल, तात्क्षणिक धारा कहता है। तो अगर मान लो कहता 2 सेकंड पर, तो टी का मान 2 लगा देता, 3 सेकंड पर, तो टी का मान 3 लगा देता। तो तात्क्षणिक धारा निकालने के लिए हमें अवकलन से निकालना होगा। क्लियर हो गया। अब बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 में देखेंगे आप, कह रहा है अपवाह वेग का मान ज्ञात कीजिए, अपवाह वेग का मान ज्ञात करना है। एग्जाम्पल 2, जिसमें तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए 1 × 10⁻¹⁷ m², ये तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे दिया, कैरिंग करंट ऑफ 1.5 m³। तो यहां पर करंट कितना है, 1.5 m², ये करंट दिया हुआ है। साथ में कहा है एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक परमाणु बराबर एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, ये बात की गई हुई है। फिर कहा है कॉपर का घनत्व, घनत्व को रोसी व्यक्त कर लिया, तो 9 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये घनत्व दे दिया। एंड परमाणु द्रव्यमान Ma ये मान दिया है 63.5 ग्राम मान दिया है, ये दिया है। और आपसे पूछा गया है अपवाह वेग का मान, अपवाह वेग बताइए, वीडी पूछा है, ये पूछा है। तो देखिए आप इसकी तरह कैसे करने वाले, हमारे पास n निकालने का तरीका, परमाणुओं की संख्या n, परमाणु संख्या निकालते हैं Na/Ma × mc। Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, Ma परमाणु द्रव्यमान, m दिया गया द्रव्यमान,
इसमें परमाणु संख्या निकाल सकते हैं आप n का मान, ओके कैसे निकाल, ये तो हो गया n का मान, जितने परमाणु होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, स्मॉल n का मान हो गया ये, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु की संख्या बराबर कैपिटल n, ओके ये तो कुल हो गई। यहां पर हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, अपो आप एक चाहिए वी डी, तो वी डी इज इक्वल टू क्या होता है I अपॉन एन ई ए, एन क्या है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको एन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व ई जानते हो, ए आपको दिया है, आई आपको दिया है, ठीक है। तो यहां पर कैसे निकालूंगा, ये तो आपके पास हो गया, अगर मैं यहां से इस छोटे एन का मान निकालूं, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालूं, तो यहां पर क्या कह सकते हो आप, यहीं से कह सकते हो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर कैपिटल n अपॉन v, ये कैपिटल n है, v से भाग दे दिया, ये आ गया कैपिटल n का मान लगाओ na अपॉन ma इंटू m अपॉन v, ये दिया गया द्रव्यमान बट आयतन, इसको कहते हैं घनत्व, क्या बोलते हैं घनत्व, तो n इज इक्वल टू na अपॉन ma इंटू रो, ओके तो ये मान आया मेरे पास यहां पे स्मॉल n का, ये स्मॉल n का मान आ गया, यहां से आप निकालेंगे, ये तो हमें पता है। अब इस मान को मैं यहां पे लगाऊंगा इस समीकरण नंबर दो में, यहां पे जो आपने लिखा है हम जानते हैं कि ठीक है, तो यहां क्या आएगा vd इज इक्वल टू आई अपॉन n, n का मान दे रहा एन ए इंटू रो और अपॉन में एम ए ऊपर पहुंच गया और ई ए इनके मानों को लगाना है और सॉल्व करना है, तो वी डी इज इक्वल टू आई, आई का मान दिया 1.5, एम ए एम ए ग्राम में दिया हुआ है 63.5 ग्राम अपॉन एन ए, एन ए का मान होता है 6×10³, ये रो, रो का मान दिया हमें यहां पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 9×10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्राम पर मीटर क्यूब कहूंगा तो 9×10⁶ ये ग्राम में मान था, तो आप इसको चाहो तो किलोग्राम में बदल दो, नहीं तो इसको चेंज कर लो, वो आपकी इच्छा है, अगर इसको किलोग्राम में चेंज करता तो क्या आता 10⁻³ ये आ जाता, इसको यहां पर ग्राम में दिया था ये मान, ये ग्राम में दिया था, किलोग्राम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 63.5 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, ऐसे लिखूंगा -3 आएगा, और फिर यहां पर ये तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ऐसे से लिख देंगे, तो इंटू रो का मान आप लिखेंगे यहां पे 9×10³ और ई ई को जानते हैं 1.6×10⁻¹ और ए ए कितना दिया है 1×10⁻¹⁷, ठीक है। अब इनका गुणा भाग आपको करना है, तो क्या आंसर आने वाला है चेक करें जरा, आप लिखेंगे VD इज इक्वल टू 1.5 इंटू 63.5 अपॉन में, अब देखो 6×9 तो 54 हो गया, 9×6=54 और ये 1.6 ऐसे लिख दिया गुणा, अब हाथांक का सवाल हिसाब करो तो ये 3 और ये 23 26 हो गया और -19 और -7 ये भी 26 हो गया, तो ये -3 26 और 10⁶ ये गायब, ऊपर 10⁻³ तो ऊपर ऐसे रहेगा 10⁻³ ये रहेगा। अब इनका गुणा भाग करना है आपको, इनको सॉल्व करना है, तो VD इज इक्वल टू इसका गुणा करना है 1.5 63.5
अपॉन 54 1.6 10 की घात माइनस 3 मीटर पर सेकंड में आपको आंसर मिलने वाला है, मीटर पर सेकंड में। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये अप्रोक्स 1.1 आंसर आता है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपके पास आंसर आएगा अपवाह वेग का। ठीक है, इसमें यहां पे इसने कहा है कि एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन। परमाणु संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें मालूम है, n = na / na = m। अब हमें तो एक काम का आयतन में इलेक्ट्रॉन चाहिए, भाई जितने परमाणु उतने इलेक्ट्रॉन, ये पता चल गया। हमें एक काम का आयतन चाहिए, तो एक काम का आयतन के लिए मैंने क्या किया, n / v, n / v, m / v को क्या बोलते हैं, रो। n का मान लगा दिया था ये, तो इसको बोलते हैं रो। तो रो की पदों में हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी एग्जांपल नंबर 3 पे। क्वेश्चन में कहा कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या दी हुई है 8, हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या दी हुई है 5.3 10 की घात माइनस 11 मीटर। इतनी त्रिज्या के पथ पर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, v is equal to 2.2 × 10⁶ 6 मीटर पर सेकंड की चाल से, इतनी चाल से घूम रहा है। फाइंड द, अब फिर क्या रहेगा वो कि कितना औसत धारा प्रवाहित होगी, औसत धारा का मान पूछ रहा है आपसे, औसत धारा का मान बताइए। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में हमें मालूम है ये तो नाभिक और ये इसकी कक्षाएं, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन परमाणु में, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो n का मान तो हो गया एक, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो q बराबर n e, तो यहां से तो आप निकाल दोगे q बराबर n e, ये तो आ जाएगा आवेश, ये तो आवेश आ गया। अब कितना समय लेगा, तो समय एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय कैसे निकालेंगे, कैपिटल डी से डिनोट कर लिया और आप देखेंगे दूरी बटे चाल, दूरी कितनी होगी 2πr/v, ये आपके पास समय आ गया। तो आप कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा परिभाषा q/t, तो q का मान तो है नहीं है और t का मान 2πr/v ऊपर आ गया। अब इन की लगा दो मान, i बराबर n का मान 1 था, e का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ और v का मान 2.2 × 10⁶⁶² और 3.14 × r का मान 5.3 × 10⁻¹⁹ −11। अब इनको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करोगे तो यहां पे 1.6 × 2.2 / यहां पे देखेंगे 3.14 × 10.6 ×, अब देखो माइनस का 19 है और ये प्लस का 6 नीचे से जाएगा, ये वाला ऊपर, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 11 ऊपर जाकर के प्लस का 11, 11 और 6 17 और यह माइनस का 19, माइनस का 2 बचा 10⁻², ये बचा। तो यहां पर i is equal to, जब आप इसका गुणा करके भाग देते हो, गुणा करके भाग देना है तो आंसर आता है आपके पास यहां पर भाग देने पर 0.106 × −2 एम्पियर। अगर इस पॉइंट को बदल ले आओ तो 10⁻³ हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 1.06 × 10⁻³ एम्पियर, जिसको आप मिली एम्पियर भी कह सकते हो, 1.06 मिली एम्पियर, आप चाहे तो लिख सकते हैं 1.06 मिली एम्पियर। ओके, तब ये भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वायर है जिसकी लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, उसको खींच करके लंबाई में दोगुना कर दिया जाता है, खींच करके लंबाई में दोगुना किया,
तो उसका प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां पे देखो L1 की वैल्यू दी है L और A1 दिया है A, तो R1 हो गया रो L अपॉन A, ये R1 हो गया। तो पहले तो निकालना पड़ेगा R2। अब कहेंगे L2 खींच करके दो गुना कर दिया है, A2 के बारे में कुछ नहीं कहा और R2 के बारे में कुछ नहीं कहा, प्रतिशत सीधे निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो लंबाई को प्रारंभिक लंबाई है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A, तो R को ही हो गया। यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध को मैंने रो ले लिया, तो रो एल अपॉन A, ये तो मान आ गया आपके पास, नंबर वन दे दिया, ठीक है। अब हमें पहले तो इसका हिसाब रखना है कि A2 कितना होगा, तो हमें मालूम है खींचने से पहले आयतन बराबर खींचने के बाद आयतन, आयतन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना खींचने से पहले था उतना खींचने के बाद भी रहेगा। तो आयतन कैसे निकालते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये खींचने से पहले का हो गया, ये खींचने के बाद का हो गया। अब A1 का मान A, L1 का मान L, A2 हमें निकालना है, और L2 2L खींच के दो गुना कर दिया, इसको इधर ले आओ, तो A2 बराबर A L अपॉन 2L, इसका भाग दे दिया, इसको इधर ले आया, तो क्या आएगा, तो यहां पर A2 बराबर A by 2। वैसे भी आप जानते हो कि अगर तार को खींचा जाएगा तो पतला हो जाता है, लंबाई दो गुनी करेंगे तो त्रिज्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास, A2 का मान आ गया A by 2, ये तो हमने निकाल दिया A2 का मान, ठीक है। अब हमें निकालना है R2, तो R2 क्या होगा, अंतर प्रतिरोध खींचने के बाद का प्रतिरोध, उसको कह दिया R2, तो R2 is equal to rho L2 upon A2, ठीक है, वैल्यू लगा दो, R2 is equal to rho L2 कितना है 2L upon A2 कितना है A upon 2, 2 ऊपर आ गया, तो क्या लिखेंगे 4 रो एल अपॉन ए, क्लियर। यहां पर दे सकते हो दो नंबर, या फिर इसको कह सकते हो या आर टू इज इक्वल टू फोर आर वन, यानी कितना गुना, चार गुना, आप इसको दे दो चाहे दो नंबर, एक ही बात है, इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, तो प्रतिरोध हो गया चार गुना। अगर खींच करके लंबाई को दो गुना कर दिया है तो प्रतिरोध कितने गुना हुआ, चार गुना, खींच करके लंबाई को तीन गुना कर दे तो प्रतिरोध नौ गुना, खींच की लंबाई को चार गुना कर दे तो प्रतिरोध 16 गुना, ऐसे याद रखना है आपको। अगर खींच करके लंबाई को n गुना कर दिया तो प्रतिरोध हो जाएगा n स्क्वायर गुना, n स्क्वायर गुना, लंबाई को दो गुना किया था तो दो का स्क्वायर चार गुना, इसीलिए चार गुना आया, तो यहां पर मान आ गया प्रतिरोध का। पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन, तो आपको निकालना है यहां पर प्रतिशत परिवर्तन, यानी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्रतिशत बराबर, तो ये होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, ये तरीका होता है। R2 का मान है 4R माइनस R, R1 का मान RN अपॉन, इसको R लिख सकते हो आप, तो अपॉन R इंटू 100 कितना आया 3R अपॉन R इंटू 100, तो ये कितना आ गया 300 प्रतिशत वृद्धि हो गई, 300 प्रतिशत वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत 300 प्रतिशत वृद्धि हो गई प्रतिरोध के मान में। एग्जाम्पल नंबर 5, ये कहा कि द वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, और वो मान दिया है आर इज इक्वल टू 62×10³ ओम, ये दिया है, और टॉलरेंस दिए प्लस माइनस 5%, ये दिए टॉलरेंस। तो पूछ रहा है कि यहां पे जो कलर की पट्टियां होंगी उनका क्रम क्या होगा, पट्टियों का क्रम पूछ रहा है, रंगीन पट्टियों का क्रम क्या होगा ये बताना है। तो रंगीन पट्टियों के क्रम के लिए आपको मालूम है कि पहला कलर पहले
सिग्निफिकेंट डिजिट यानी सार्थक अंक को व्यक्त करता है। तो सार्थक अंक 6 के लिए कौन सा कलर होता है? नीला, ब्लू। तो यहां पर लिख दिया ब्लू, 6 के लिए ब्लू। दूसरा दिया है 2, तो 2 के लिए कौन सा होता है? रेड। 2 के लिए रेड होता है, रेड। अब आया 10 की घात 3, गुणक 10 की घात 3, तो 3 के लिए कौन सा होता है? 3 के लिए होता है ऑरेंज। तो आप लिख देंगे ऑरेंज, और प्लस माइनस 5 के लिए लिखेंगे गोल्डन। ओके, तो यहां पर ये आपके पास हो गया कलर का क्रम कि कौन कौन सा कलर बन सकता है, कर पाएंगे आप, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 जो बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल सा है। एग्जाम्पल नंबर 6, कुछ एक्स का मान 4 ओम और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दिया वाई इज इक्वल टू, वाई का मान 48 गुणा 10^-8 ओम मीटर। ओम मीटर ये वाई का मान दिया है। अब पूछ रहा है कि अगर लंबाई को घटा करके आधा कर दिया जाए तो एक्स और वाई के मान पे क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि चालक तार है जिसकी लंबाई कोई भी हो सकती है, एल है मान लो, उस लंबाई को घटा करके आधा कर दिया, काट दिया बीच में से, तो पूछ रहा है कि इन्हें एक्स और वाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन को कैसे घुमाने की कोशिश की है। अब देखो इसको एक्स और वाई कहा है, इसको ये निकाल के कौन सी राशि है ये तो आपको पहचाननी पड़ेगी। किससे पहचानोगे? इसके मात्रक से। इस x के पीछे यहां पे 4 ओम लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिरोध। और यहां पे y के पीछे क्या लिखा है? ओम मीटर। तो ये क्या हुआ? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां पर जब लंबाई को आधा करेंगे तो लंबाई को आधा करने पर, काट के आधा कर दिया, आधा करने पर हमें मालूम है कि प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है। तो जब लंबाई को आधा कर दिया तो x का मान x'(x/2) यानी 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम। और y' का जो मान है वो सेम रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध है वो, इस पर निर्भर नहीं करेगा लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, इन बातों पे निर्भर नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध तो जो कि तो रहता है, इसका मान लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, इसका मान केवल प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, ये तो केवल प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ओके, तो ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके आगे के एग्जाम्पल करेंगे अब हम कल, तब तक के लिए